हेलो फ्रेंड्स, टेस्टी फूड विद उत्कर्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ उत्कर्षा और आज मैं आपको बनाने सिखा रही हूँ राजमा। तो चलिए राजमा बनाने के लिए मैं बताती हूँ हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। राजमा के लिए बनाने के लिए मैंने एक कप राजमा लिया और रात में उसे पानी में डालकर भिगो कर रख दिया था। फिर वापस से मैंने उसे बॉयल किया 6 सीटी में और उसके बाद ये जो पानी है इसे मैं फेंकूंगी नहीं, क्योंकि ये पानी में बहुत ही पौष्टिक तत्व होते हैं इसके। तो आप राजमा को पहले अच्छे से धो लें, उसके बाद उस पानी का यूज़ करें जिसमें आप बॉईल कर रहे हैं। ये राजमा मेरी अच्छे से गल चुकी है। यहाँ पर मैंने एक बड़े टमाटर लिया है, 3 प्याज लिया है मीडियम साइज़ की। आप चाहें तो प्याज और टमाटर के पेस्ट बना करके भी ले सकते हैं। 1 छोटी चम्मच जीरा, दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और 2 लौंग लिया है, 2 तेज पत्ता और 1 लाल मिर्च लिया है मैंने। आप ज़्यादा तीखी खाना चाहें तो आप और भी मिर्च ले सकते हैं, हरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच अदरक घिसी हुई और कुछ हरी धनिया, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और नमक हम लेंगे। साथ ही यहाँ पे मैंने लिया है गरम मसाला और घी। रिफाइंड भी चाहिए हमें। कढ़ाई को सबसे पहले हम गर्म कर लेंगे, उसके बाद इसमें तेल लेंगे, ये रिफाइंड ऑयल लिया है मैंने। जब तेल गर्म हो जाए तो हम इसमें जीरा डाल देंगे, दालचीनी डाल देंगे, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और लौंग डाल देंगे, तेज पत्ता डाल देंगे, लाल मिर्च को भी मैं डाल दे रही हूँ। अब इसमें मैं प्याज डाल दूंगी। आप प्याज का पेस्ट बना करके भी ले सकते हैं। मैं ऐसे ही प्याज की यूज़ कर रही हूँ। प्याज को हमें ट्रांसपेरेंट होने तक इसे फ्राई करना है, ये देखिए। और अब हम टमाटर डाल देंगे। टमाटर को भी थोड़ी देर तक फ्राई करेंगे, जब टमाटर थोड़ी गलने लग जाए। ये टमाटर भी फ्राई हो गई। अब मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ। 2 छोटी चम्मच यहाँ पे मैंने लिया है धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर लूँगी, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और लाल मिर्च स्वाद के अनुसार। काली मिर्च पाउडर 1/2 छोटी चम्मच लिया है मैंने और 2 चम्मच पानी लेके इसे मसाले को गीला करके इसे मसाले को अच्छे से फ्राई करना है हमें, स्लो मीडियम गैस पे। तेज़ गैस पे, गैस के फ्लेम को तेज नहीं रखना है यहाँ पे मसाले को फ्राई करने में टाइम। मसाले को यहाँ पे मैं 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भूनूंगी, उसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। मेरे 5 मिनट हो गए, उसके बाद मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दे रही हूँ और इसे भी मसालों के साथ अच्छे से फ्राई करना है, जब तक कि मसाले जो है साइड से तेल ना छोड़ने लग जाए। अगर मसाले आपके कच्चे रह जाएंगे तो
फिर राजमा में वो टेस्ट नहीं आएगी। यहाँ पे आप, मैंने राजमा मसाला नहीं लिया है, रेडीमेड राजमा मसाला भी आप यूज़ कर सकते हैं। मसाले अच्छे से फ्राई होंगे तभी आपकी सब्जी अच्छे से बनेगी। अब मैं इसमें राजमा डाल दे रही हूँ, उसके पानी को यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ। पहले राजमा को मैं डाल के इसे मसालों के साथ 2 मिनट और फ्राई करूँगी। राजमा भी मसाले के साथ 2 मिनट और फ्राई हो जाते हैं इस तरीके से, जिससे राजमा में बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है। अब मैं इसमें नमक डाल दे रही हूँ, नमक स्वाद के अनुसार ले लें। अब मैं इसे कुकर में ट्रांसफ़र कर दूंगी। यहाँ पे मैंने कुकर में डाल दिया है। कुकर में एक बार इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद जो राजमा जिस पानी में बॉइल्ड हुए थे वो पानी मैं इसमें डाल दूंगी। आप राजमा में अपनी ज़रूरत के अनुसार पानी डालें। आप पराठे के साथ, रोटी के साथ खाने वाले हैं तो कम पानी डालें, चावल के साथ खाने वाले हैं तो उसके अकॉर्डिंग पानी डालें। इसमें जैसी ग्रेवी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसमें पानी डाल दें। यहाँ पे मैंने और पानी ऐड कर दिया, बॉइल्ड पानी डाला था जिसमें राजमा बॉइल्ड हुए थे, और साथ में मैंने एक्स्ट्रा पानी डाला जितनी ग्रेवी मुझे चाहिए। अब मैं इसमें गरम मसाला डाल दी, गरम मसाला और घी, घी 1 चम्मच डाल दें इसमें। घी डालने से इसकी स्वाद बहुत ही अच्छी आती है, बहुत अच्छी बढ़ जाती है। अब मैं इसे 4 सीटी तक इसे यहाँ पे प्रेशर कुक करूँगी। ये हमारी हो गई है, अब मैं इसे निकाल दूँगी। ये देखिए राजमा हमारे अच्छे से बनकर तैयार हो गई है, अच्छे से ये गल भी चुकी है। इसे भरी धनिया इसमें मैं डाल दे रही हूँ। अब मैं इसे सर्व करूंगी। इसे हरे धनिया से ऊपर से डेकोरेट किया और साइड से प्याज रख रही हो, प्याज के स्लाइसेस। ये देखिए राजमा बनकर तैयार है, ये बहुत ही टेस्टी बनी है। आप अपने फ्रेंड्स फैमिली वालों के साथ मेरी रेसिपी ज़रूर से शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक कर लीजिए। थैंक यू।